दोस्तों, जब एक व्यक्ति चुपचाप निधि वन के अंदर रात को 2 बजे पहुंचा और उसने जो चमत्कार देखा और उस चमत्कार को देखकर वह हैरान रह गया। दोस्तों, निधि वन एक ऐसी जगह है जहां पर मान्यता है कि रात को यहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला रचाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 60 तालों से बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर को बंद करने से पहले गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, लड्डू और श्रृंगार का सामान सब रख दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि रात में वहां पर कोई नहीं जाता है, मगर फिर भी सुबह 7 तालों से बंद मंदिर को जब खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको उसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि वह अचानक रात को निधिवन में पहुंच गया था। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और आखिर क्यों रात को वहां पर जाना मना किया हुआ है? आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे। दोस्तों, निधिवन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं। कहा जाता है कि रात को यहां पर कोई नहीं जा सकता है। जिसने भी रात को यहां पर रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है, वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि जिसने भी रात को यहां पर देख लिया, उसकी कुछ दिन बाद मौत हो जाती है या फिर वह पागल हो जाता है। इसलिए शाम के वक्त इस मंदिर को पुजारी द्वारा बंद कर दिया जाता है। रात में यहां कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है ये तो शोध का विषय ही है। कुछ लोग बताते हैं कि साल 2005 की बात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं। हालांकि ये लोगों की बताई हुई कहानी है। राकेश नाम का एक चोर मथुरा के अंदर बांके बिहारी का दर्शन करने आया था। वह चोरी करने का काम करता था, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था। मगर जब वह वृंदावन दर्शन करने आया तो लोग कहते हैं ना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। राकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका पर्स भी किसी ने चुरा लिया, जिसके अंदर उसके कागज और काफी सारे इंपॉर्टेंट चीज थी। पर्स चोरी होने की वजह से उसके पास अब एक भी रुपया नहीं बचा था। उसे वापस घर पर भी जाना था। उसने आसपास के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। तब उसने मन में सोचा, क्यों ना अपने खानदानी काम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं। और उसने वृंदावन के किसी घर में चोरी करने का प्लान बनाया ताकि उसके पास कुछ पैसा हो और वह घर चला जाए। और वह प्लान के मुताबिक एक घर के अंदर घुसा और अलमारी से कुछ पैसे चुरा लिए। रात का समय था जब वह चोरी कर रहा था तो घर वाले लोगों को पता चल जाता है। राकेश आनन फानन में पीछे की अलमारी से कूदकर भाग जाता है, लेकिन यहीं से उसे एक गलती हो जाती है। दरअसल जिस खिड़की से वह उस बगीचे में कूदा था वह कोई साधारण बगीचा नहीं था, बल्कि निधिवन का बगीचा था जहां पर मान्यता के अनुसार रात को कोई नहीं जाता है। यहां तक कि दावा यह भी किया जाता है कि रात में वहां पर पक्षी भी नहीं ठहरते हैं। राकेश को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब उसे घर के मालिक ने देखा कि पीछे की खिड़की खुली है और चोर यहां से भागकर निधिवन के अंदर चला गया है, और वहां लोगों में ऐसी मान्यता है कि जो भी रात में वहां जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता है, इसलिए उन्हें लगा कि यह वापस कभी नहीं आएगा और खिड़की उन्होंने बंद कर दी। लेकिन एक हैरानी की बात यह भी है कि निधिवन के अंदर जितने भी आसपास घर बने हुए हैं वहां पर पीछे की खिड़की लोग हमेशा रात को बंद कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां पर कृष्ण भगवान रासलीला रचाते हैं। अगर उसकी कोई देख लेता है तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि निधिवन के अंदर से घुंघरू की आवाज आती है, लेकिन राकेश अनजाने में उस खिड़की से कूदकर निधिवन के अंदर रात के समय घुस गया। उसके साथ ऐसी चमत्कारी घटना होने वाली थी जिसका उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहां तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं।
और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है, इसलिए यहाँ पर शाम के 6 बजने के बाद किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। कि वहां पर रात के समय पक्षी भी नहीं रुकते हैं, वह भी शाम होने से पहले निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। अगर वहां आसपास कोई सुनाई देता है तो सन्नाटे को चीरती सनसनी नजर आती है। राकेश अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके बाद एक ऐसी जगह पर वह जाकर बैठ गया ताकि सुबह होने पर यह वहां से निकल जाए। लेकिन रात को 2 बजे उसके साथ ऐसी घटना होती है जिसका उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक ऐसा चमत्कार होता है, उस निधिवन के अंदर जितने भी तुलसी के पौधे थे वो एक एक करके गोपियों का रूप धारण करते चले जा रहे थे। और तभी राकेश ने देखा कि साक्षात बांसुरी वाले प्रकट होते हैं और गोपियों के संग खेलते हैं। लेकिन भगवान का तप इतना ज्यादा तेज था कि रमेश की आंखें धुंधली हो गई। उसके साथ अलग ही प्रकार की घटना हो रही थी। उसके बाद कहा जाता है कि वह बेहोश होकर उसी जगह पर गिर जाता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। उसी दिन उसने चोरी करना छोड़ दिया था। वह भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को अच्छी तरह जान चुका था। उसके बाद वह उस घर जाता है जहां पर उसने चोरी की थी और वहां जाकर उस घर के मालिक से माफी मांगता है और जो भी चुराया था उसने वापस उन्हें दे दिया। राकेश समझ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सुधरने का संकेत दिया है और मकान मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे घर जाने का वापस किराया देकर भेज दिया। लेकिन राकेश उसी दिन भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन गया था। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और बांके बिहारी की भक्ति में लग गया था और उसी दिन राकेश बांके बिहारी का ही बनकर रह गया। कहा जाता है कि उसके बाद राकेश ने अपना सारा जीवन मथुरा और वृंदावन में ही बिताने का फैसला कर लिया और भगवान की भक्ति करने लगा। निधिवन के अंदर ही है रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कूची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। रात को यहां पर कोई नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी निधिवन की रात को जानने का प्रयास किया है, जिसने भी यहां रात रुककर इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया है, वो सुबह बेसुध मिलता है या बहुत ज्यादा आनंदित सा मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कई लोगों की तो 2 से 3 दिनों में आकस्मिक मौत हो जाती है। शाम के समय मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छुप करके रासलीला देखने की कोशिश करता है तो या तो वो पागल हो जाता है या भगवान उसकी जिंदगी बदल देते हैं या फिर वह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख कर अच्छा आदमी बन जाता है। मगर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कुछ बुद्धिजीवी लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन समय समय पर भगवान के चमत्कार ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भगवान निधिवन में चमत्कार करने हर रोज आते हैं। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुर्जुग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां बताते हैं। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां पेडियच की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वही यहां वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहां के पेडियच छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोधियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। आज आप जमीन पर बैठकर ब्रह्मांड देख सकते हैं, लेकिन निधिवन के जंगल की रात नहीं। इंसान क्या, यहाँ जानवर भी रात को नहीं रुकते।
यहाँ तक कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन से बंधे बंदर भी रात होते ही निधिवन छोड़ देते हैं। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने भी इस राज को जाना, वो इसे बताने के काबिल ही नहीं रहा है। वैज्ञानिकों की कई टीम इस पर रिसर्च करके गई है, लेकिन वो वैज्ञानिक भी अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि रोजाना ऐसा चमत्कार होना विज्ञान की दृष्टि से भी अचंभित करने वाला है। दोस्तों, आप निधिवन के चमत्कार को लिखकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, जय बांसुरी वाले।